कोर्ट का है मामला, क्या आप कभी भारत की किसी भी कोर्ट में, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद, चेन्नई में, फैमिली कोर्ट में मैटर चल रहे हैं या अभी घर पे है, कोर्ट ना पहुंचा है, चाहे वो डाइवोर्स को लेकर हो, चाइल्ड कस्टडी को लेकर हो, एलिमनी को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर हो, या फॉर्स 498 केस को लेकर, आपकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध हो या आपके पति का किसी और के साथ संबंध हो, कैसे उन प्रूफ्स को हम गैदर करें, कोर्ट में प्रेजेंट करें। अभी अभी एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां पे कि फैमिली कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया जो हस्बैंड है जिस होटल में रहा है उसके सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व किया जाए, रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाए, सीडीआर डाटा यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाली जाए, जिससे कि ये प्रूफ करने में आसान हो कि भैया वाइफ एडल्ट्री में यानी किसी और के साथ एक गलत रिलेशनशिप में रह रही है शादीशुदा होने के बावजूद भी, जिस ग्राउंड पे वो सामने वाला डाइवोर्स ले सके। तो बिल्कुल ये चीज़ें होनी चाहिए, इस जजमेंट से बाकी केसेस में भी फ़र्क पड़ेगा। मामला अभी पॉलिटिशियंस का भी है, जहाँ पे रिश्ता इनका नहीं चल पाता है, फैमिली कोर्ट ने हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट के द्वारा मैटर है। तो देखिए अब बात आती है आपकी, क्या आपकी भी पत्नी ब्लैकमेल कर रही है किसी बात को लेके आपको, या सास ससुर को, या आपकी बहन को, या आपके भाई को, या भाभी को, कि भैया मेरी ये डिमांड है पूरी करें वरना हम आप पे झूठा केस कर देंगे और आपके परिवार वाले जेल में चले जाएंगे, करियर बर्बाद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, विदेश में आप रह रहे हैं तो वहाँ से वापस आना होगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा, वीज़ा कैंसिल हो जाएगा, लाखों रुपये आपको इनसे बचने के लिए फिर देने पड़ेंगे। अगर ऐसा कोई भी इशू है कि लाइक वो पासपोर्ट इम्पॉर्टेंट का केस हो 498 में, या एंटिसिपेटरी बेल को लेकर हो, या आप भी अपने पत्नी के खिलाफ या अपने ससुराल वालों के खिलाफ क्या केसेस कर सकते हैं, यानी लड़की के माँ बाप या उसके भाई के ऊपर, जहाँ पे कि जबरन पैसा वसूली हो, धोखाधड़ी हो, आपराधिक षड्यंत्र हो, चोरी हो, जान से मारने के संबंध में हो, ये सारा कुछ आपको हमारे लॉयर्स के द्वारा बताया जाता है। मेनली मैटर्स में हमने देखा है कि कानूनी तौर पे एक पुरुष ही ज़्यादातर शोषित होता है या उसका शोषण किया जाता है, वो चाहे पुलिस के द्वारा हो, या वकील के द्वारा हो, या फिर पत्नी के पक्ष के द्वारा हो। जानकारी नहीं होने की वजह से पैसा जाता है, समस्या बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है। अगर आपका भी कोई भी मैटर है, कोई आप पे फॉर्स केस करने की धमकी दे रहा है, या फिर मैटर ऑलरेडी कोर्ट में है, आपको लग रहा है कि वकील कहीं ना कहीं आपको डरा रहा है, मिसगाइड कर रहा है, केस लंबा खींचा जा रहा है, बेवजह चीज़ें चल रही हैं बस यूं ही समय बिताने के लिए, आप हमें कांटेक्ट करें, एक सही सलाह लें, एक सही एडवाइस लें, अपना समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचाएं। झूठा केस लगा रही हैं आप पे कई बार वाइफ एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में, उसके प्रूफ्स कैसे लाएं, कोर्ट में कैसे प्रेजेंट करें, कैसे डाइवोर्स लें, वाइफ को वापस लाने का जो केसेस है क्या वो करना चाहिए सेक्शन 9 या नहीं करना चाहिए, डाइवोर्स फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वाइफ ने अगर झूठा केस कर दिया है तो फिर अब हम क्या करें, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए इनसे बचने के लिए, निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। बच्चा माँ के पास है, पापा के पास रहें, बच्चे को लेके माँ ब्लैकमेल करती, ज़्यादातर केसेस में देखा गया है पिता बेचारा बच्चे को तरफ देख के हर चीज़ सहते रहता है और पैसे भी उसके जाते हैं, कहीं ना कहीं बहुत नुकसान। तो अगर कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपका भी है, वाइफ ने कंप्लेंट किया पासपोर्ट ऑफिस में इम्पाउंड करवाने के लिए, नोटिस आया है आपको, क्या जवाब दें उसका, मेंटेनेंस के लिए नोटिस आया हो, सैलरी स्लिप की बात हो, ITR की बात हो, बैंक स्टेटमेंट की बात हो, या फॉर्स 498 की बात हो, सारे मैटर्स को कैसे बचना है, क्या करना है, हर एक वो तरीका जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद हो लॉयर्स के द्वारा बताया जा रहा है, के लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भारत की किसी भी कोने से, किसी भी जगह से, किसी भी वक्त आप हमें व्हाट्सअप करें और कंप्लीट हेल्प लें।